वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। हम एंकल स्ट्रेन के रिहैबिलिटेशन फेज की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम फेज वन और फेज टू की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे फेज थ्री की। फेज थ्री जो है यानी कि रिहैबिलिटेशन फेज जो है हमारा, नॉर्मली वो ग्रेड वन इंजरी में आता है एक हफ्ते के बाद, ग्रेड टू इंजरी में आता है दो हफ्ते के बाद, और ग्रेड थ्री इंजरी में आता है तीन हफ्ते के बाद से। अभी ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री क्या है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो पुराना वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ग्रेड्स क्या होते हैं। तो आज हम तीनों ही ग्रेड्स के रिहैबिलिटेशन फेज की हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें कि आपकी मसल की स्ट्रेचिंग भी होगी, आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी, आपका बैलेंस ट्रेनिंग भी होगा। क्योंकि थर्ड फेज जो है हमारा रिहैबिलिटेशन, इसका फेज का गोल हमारा ये होता है कि आपकी मसल में जो है स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो गेट यानी कि आपका जो चलने का तरीका, वॉकिंग पैटर्न होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए नॉर्मल गेट से। गेट मतलब हम जो जिसे हम चलते हैं ना, वो हमारा जो चलने का पैटर्न होता है उसे गेट बोलते हैं। तो वो एक प्रॉपर एक सेट होता है कि किस तरीके से हम चलते हैं। अगर थोड़ा भी अलग होगा तो यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल पैटर्न नहीं हो रहा है। तो हमारा गेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। और उसके साथ ही हमें बैलेंस ट्रेनिंग थोड़ी करनी होगी। बैलेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो दोबारा आपके एंकल स्प्रेन होने का चांस रहेगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी चार पांच एक्सरसाइजेस हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइज है, इनको करिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे नीचे मैसेज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे को इंस्टा पे भी बोल सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हील रेज। इस तरीके कोई भी जगह पर खड़े हो जाइए और कुछ अगर हो सके तो सपोर्ट लेके खड़े होइए ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। और इस तरीके से खड़े होके आपको अपने हील्स को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि अपनी एड़ी को जो है वो ऊपर की तरफ उठाना है। जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए, धीरे धीरे आपका रेंज बढ़ेगा। शुरू में कोशिश करें कि अगर आप 10 रेपिटेशन कर सके तो इस तरीके से एक बार ऊपर नीचे। अगर नहीं कर सके तो जितना कर सके उतना करिए। और अगर 10 रेपिटेशन आराम से कर पाते हैं तो फिर धीरे धीरे 10 रेपिटेशन, फिर एक बार रेस्ट लेके 10 रेपिटेशन और करिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी टो रेज। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने पंजों को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और हमें अपना सारा वजन जो है वो हील के ऊपर देना है। ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो आप तो साथ में सपोर्ट लेके या पकड़ के खड़े हो जाइए, इसलिए कि आप गिरे ना। और इस तरीके से 10 रेपिटेशन करने हैं इसके भी। और अगर 10 रेपिटेशन आराम से हो सके तो फिर आप इसको 10 रेपिटेशन और करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेचिंग के लिए, हमारी काफ मसल्स की। काफ में हमारी दो मसल्स होती है, गैस्ट्रो नीमियस और सोलियस, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी दीवार पे या किसी भी सपोर्ट पे इस तरीके से अपना पैर रखिए, अपनी हील को नीचे टिका के रखिए और पंजा ऊपर रखिए। और अब घुटना सीधा रखिए और धीरे धीरे अपना वजन जो है वो आगे की तरफ डालिए। अब जब आप वजन आगे की तरफ डालेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक रोक के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरीके से वापस आ जाइए और इस तरीके से तीन बार करना है। अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाटिंग। उसके लिए पूरा स्क्वाट नहीं करना है आपको, हल्का हल्का स्क्वाट करना है इस तरीके से। स्क्वाटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करने में डर लग रहा है तो आप कोई सपोर्ट ले लीजिए। इस तरीके से पूरा नहीं झुकना है, थोड़ा थोड़ा आपको नीचे की तरफ झुकना है। ये हो गई स्क्वाटिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बैलेंस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इस एंकल इंजरी के बाद से हमारा बैलेंस इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस इंप्रूव नहीं होगा तो हमारी बार बार इंजरी हो सकती है। तो बैलेंस ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल सर्फेस पे खड़े हो सकते हैं, आप किसी और इनरेगुलर सर्फेस पे यानी कि कोई टॉवल बिछा के आप खड़े हो सकते हैं, किसी टॉवल के ऊपर, किसी गद्दे के ऊपर खड़े हो सकते हैं। पहले आप दोनों पैरों से खड़े होइए, उसके बाद से फिर आप सिंगल लेग से खड़े होइए। इस तरीके से कोशिश करिए कि जितना कम से कम आप
हिल सके, ज्यादा हिलना नहीं है और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आप पहले हार्ड सरफेस पे खड़े होइए सिंगल लेग से, फिर नीचे टॉवेल या गद्दा रख के उसके ऊपर खड़े हो जाइए इस तरीके से एक पैर पे, और ये भी हो जाए तो धीरे धीरे फिर आप कोशिश करिए अपनी आंखें बंद करके खड़े होने की। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब आप खड़े हैं तो आप कम से कम आपका बॉडी जो है वो हिले कम और स्टेबल ज्यादा रहे। तो ये थी हमारी सारी एक्सरसाइजेस, आपने देख ली है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको एंकल स्प्रेन हुआ है तो उसके साथ ही शेयर करिए ताकि वो भी एक्सरसाइजेस कर सके और उसकी फर्दर इंजरीज के चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक के बारे में, कोई और कंडीशन के बारे में लेके आएंगे। ओके गाइज, बाय बाय।